आज हम बनाने वाले हैं हरी मिर्च का बहुत ही तीखा, चटपटा और मज़ेदार सा ये अचार। अगर खाने के साथ ही अचार मिल जाए ना तो खाने का स्वाद ही बढ़ जाएगा, इतना टेस्टी लगता है और बनाना बहुत ही कम समय में बन करके तैयार हो जाता है, बिल्कुल 10 मिनट में। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इसके लिए यहाँ पे देखिए हमने हरी मिर्च ले लिया है, तो यहाँ पे कम से कम 100 ग्राम के करीब मिर्च है और बिल्कुल ये डंठल सहित है। तो इसके अभी हमें डंठल को अलग करना है, तो यहाँ पे सभी मिर्च को हमने इकट्ठा कर लिया है और इसका जितना भी डंठल है ना पहले इसको हम तोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक मिर्च लेते हैं और एक एक करके सभी की डंडी को हम तोड़ देते हैं, क्योंकि डंडी का कोई उपयोग नहीं है, डंडी रहने से जो मिर्च का अचार है ना जल्दी ख़राब होने लगता है, तो इसलिए पहले इसके डंडी को हम हटा देते हैं। यहाँ पे देखिए सभी मिर्च के डंठल को हमने तोड़ दिया है और इसको एक प्लेट में रख लिया है। डंठल का कोई भी उपयोग नहीं है तो इसको हम फेंक देते हैं और ये जो हरा मिर्च है ना इसको हम अब धुल लेते हैं थोड़ा सा, इसको पहले एक पानी से हम वॉश कर लेंगे क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत जो धूल वगैरह लगा रहेगा, मिट्टी वगैरह, तो साफ़ हो जाएगा। तो यहाँ पे धुलने के बाद ये छेद वाली जो थाली होती है उसी के ऊपर इसको हम फैला देते हैं, या आप इसे पोंछ भी सकते हैं सूती तौली वगैरह से। तो यहाँ पे इसको छेद वाली थाली के ऊपर हमने रख करके धूप में रख दिया था आधा घंटा के लिए, तो अच्छी तरह से जितना भी इसका पानी था ना सूख गया था। और यहाँ पे जब सूख जाएगा आधे घंटे बाद इसको हम लेते हैं एक प्लेट और प्लेट में इसके दो भाग कर लेते हैं, तो एक हरी मिर्च लेते हैं और बीच में से इसका चीरा लगा करके अलग अलग कर लेते हैं। तो जितना भी हरा मिर्च है दो पार्ट में इसको हम अलग अलग करते जाएंगे। तो यहाँ पे सभी मिर्च को पहले हम काट लेते हैं और ये जो मिर्च का अचार है मैक्सिमम 10 मिनट में बन करके रेडी हो जाता है और बहुत ही टेस्टी भी बनता है, घर की बेसिक चीज़ों से भी बन जाता है। तो यहाँ पे देखिए सभी हरी मिर्च को हमने काट करके प्लेट में रख दिया है, इसको अभी हम ऐसे रहने देते हैं, तब तक हम मसाले की तैयारी कर लेते हैं। तो मिर्च को ऐसे छोड़ करके अब हम मसाले पहले इकट्ठा करते हैं। तो मसाले के लिए यहाँ पे हमने देखिए जीरा ले लिया है, मेथी, यहाँ पे सौंफ, सौंफ तो बहुत ही पसंद आते हैं अचार वगैरह में, और साथ में काली वाली राई। और इसको हम डालते हैं कढ़ाई में, गैस को ऑन कर दिया था हमने, कढ़ाई बिल्कुल गर्म है, तो मसाले डालते ही देखिए यहाँ पे चटकने लगे हैं, तो मसाले को थोड़ा सा चला करके हम भून लेते हैं, ज़्यादा नहीं, मुश्किल से 20 सेकंड में ही मसाले जो है भून जाएंगे क्योंकि जो कढ़ाई है बहुत ही ज़्यादा हार्ड गर्म हो गई है। तो इसको बस डाल के हम चला करके अब गैस की फ्लेम से इसको नीचे उतार लेते हैं, तब कढ़ाई में से नीचे उतार लेते हैं और उसी कढ़ाई में हम डाल देते हैं सरसों का तेल। तो साथ में हम तेल भी गर्म कर लेते हैं और बिल्कुल धुआँदार तेल गर्म करके इस गैस को हम बंद कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने तेल डाल दिया जितना भी आपको डालना हो और तेल को हम गर्म कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए तेल में से जो है धुआँ निकलने लगा है, बिल्कुल धुआँदार गर्म होना चाहिए और इसको थोड़ा सा कढ़ाई से घुमा करके भी हम इसको गर्म कर देते हैं, गैस की फ्लेम को हम बंद कर देते हैं। इधर जो मसाला है ये भी ठंडा हो गया है और लेते हैं मिक्सी का छोटा वाला जार, इसमें मसाले को हम डाल देते हैं और इसको दरदरा पीस लेते हैं, बहुत ज़्यादा फाइन नहीं पीसना है, बिल्कुल दरदरा सा पीस लेते हैं। अचार का जो मिर्च होता है ना मसाला वो थोड़ा दरदरा ही अच्छा लगता है। यहाँ पर मसाला भी पीस गया है और बाकी जो ढक्कन में लगा हुआ मसाला है उसको भी हाथ से साफ कर लेते हैं, चम्मच वगैरह किसी भी चीज़ से आप साफ़ कर सकते हैं। तो मसाला तैयार है, अब लेते हैं हरी मिर्च और इसी के ऊपर जो मसाला हमने पीस करके रखा है इसको डाल देते हैं, पहले जितना भी मिक्सी जार में लगा होगा उसको हम निकाल लेते हैं और साथ में अब हम डालते हैं हल्दी। तो यहाँ पे हम लेते हैं एक चम्मच हल्दी, तो यहाँ पे देखिए हल्दी हमने डाल दिया है, एक चम्मच छोटा चम्मच है तो एक चम्मच हल्दी हमने डाल दिया है। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट नमक हम डालते हैं 2 चम्मच, नमक से जो मिर्च है जल्दी से गल जाता है, तो अचार वगैरह में नमक थोड़ा ज़्यादा ही पड़ता है। तो यहाँ पे हमने 2 बड़े चम्मच नमक भी डाल दिए हैं, साथ में अब हम डालते हैं कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, इससे क्या होगा कि मार्केट की तरह इसका कलर आएगा और देखने में बहुत ही अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे देखिए 1 चम्मच भर के हम डाल देते हैं कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, साथ में डाल देते हैं थोड़ी सी कलौंजी और 1 चम्मच हम डाल देते हैं आमचूर पाउडर। अगर आपके पास नींबू हो ना तो नींबू भी आप डाल सकते हैं, या सिरका हो, कोई भी चीज़ हो आप डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने डाल दिया है आमचूर पाउडर। और जो तेल था वो बिल्कुल ठंडा हो गया है, बिल्कुल बहुत थोड़ा सा गुनगुना टाइप का है, अब उसको हम डाल देते हैं और इसको हम चम्मच से मिक्स कर लेते हैं। तो तेल को डालने के बाद जो मसाले हैं ना अच्छी तरह से मिक्स हो जाते हैं, तो पे हम चम्मच से ही प्लेट में ही अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। और देखिए मसाला और ये अचारी मिर्च कितना देखने में टेस्टी लग रहा है, बहुत ही टेस्टी लगता है खाने के साथ अगर आप खाइए, और मुश्किल से 2 दिन में ही अच्छी तरह से गल भी जाता है। आप फ्रिज में रखिए या बाहर इसको धूप दिखा देना, तब भी ये 2 दिन में गल जाता है। तो यहाँ पे जो मसाले हैं अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं सभी मिर्च में, अब हम लेते हैं एक थोड़ा सा छोटा डब्बा जिसमें हमको इसको रखना हो, बिल्कुल साफ़ सुथरा, बिल्कुल उसमें पानी वगैरह नहीं लगाना चाहिए। तो यहाँ पे उसी में हम एक छोटा डब्बा लेते हैं
और इसी में इस मिर्च को हम डाल देते हैं, और जितना भी मिर्च इसमें डालते जाते हैं तो बहुत ही टेस्टी सा है हरी मिर्च का मसालेदार अचार। आप लोग एक बार बना करके देखिए, बहुत ही पसंद आने वाली रेसिपी है। और हमारे वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब।